जनाब हकीम रब्बानी साहब को दावत देता हूँ कि तशरीफ लाए और तलबा के नाम जो उनका पैगाम हो एक मिनट में लिए, क्योंकि हकीमों के लिए नुस्खा लिखना कोई मुश्किल बात नहीं है, समझे जी। बहुत बड़ी बड़ी मुद्दत का भी छोटी मुद्दत। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम हजरात, सामिन इकराम, बुजुर्गों और भाइयों, अहले मिल्लत के नौजवानों, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परवानों, आपकी ये मजलिस देखकर दिल बड़ा हर्षाद वर्षाद हुआ है, खुशी में झूम उठा है। आपको एक कुरान लेकर इस मदरसा जामिया अशरफुल उलूम से जाएंगे, बंजर इलाकों को चमकाएंगे। हमारे हजरत मौलाना सालिम असलम साहब की बड़ी कुर्बानी, एक मिनट के अंदर ज्यादा वक्त नहीं दूंगा आपको, इंशाल्लाह बात खत्म कर दूंगा। हर मौलाना सालिम असलम अशरफ साहब की बड़ी कुर्बानी है कि 5 साल के अंदर आपकी जद्दोजहद व कुरान व फिक्र व कोशिश रंग लाई। मैंने बहुत सारे इदारों को देखा कि 30-30 साल में भी वहां पर बच्चे हाफिज़े कुरान नहीं होते। जिला मुजफ्फरनगर में एक इदारा देखा जहां 40 साल में भी कोई हाफिज नहीं हुआ और मौलाना भी कब्र में चले गए। लेकिन हजरत मौलाना सालिम अशरफ साहब की कुर्बानी को आप दाद में इंतकाली के लिए दुआएं करें कि 5 साल मदरसे की इफ्तिताह 5 साल का सिर्फ दौर है और 5 साल में अल्लाह ने इंतहाई मंजिल तक आपको पहुंचाया है। 250 मुफ्तियान इकराम और उलमाए इकराम और उस्ताद और आरी इमामानों हजारों की तादाद में 5 साल में फरागत हासिल करके अपने आशियानों की तरफ लौट गए हैं। तो मैं ये कहता हूं जैसे हजरत मौलाना सालिम अशरफ साहब ये यहाँ के भी नहीं है, ये भी मुहाजिर है देवबंद में, ये मुजफ्फरनगर की फरजमीन का एक छोटा सा गुलदस्ता है, ये मुजफ्फरनगर की फरजमीन वो फरजमीन है जहां पर दारुल देवबंद को भी हमेशा ताऊन दारुल देवबंद को सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर ने दिया। 1976 में काला कानून गवर्नमेंट लगाते हैं तो काले कानून का सफाया मुजफ्फरनगर से होता है। नसबंदी कांड, हमारे बच्चों ने मुजफ्फरनगर के अंदर शहादत का जाम पिया लेकिन काले कानून को आगे बढ़ने नहीं दिया। शहादत की सरजमीन, इंकलाबी और तारीखी सरजमीन मुजफ्फरनगर, तारीखी सरजमीन मुजफ्फरनगर, माशाल्लाह। चाहे तबलीगी जमात का काम क्यों ना हो, तबलीगी जमात की बुनियाद डालने वाले हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मुजफ्फरनगर, मोहद्दिस ज़हवी साहब अलीउल्लाह, मोहद्दिस ज़हवी रहमतुल्लाह अलैह मुजफ्फरनगर, पूरी दुनिया के अंदर आज मुजफ्फरनगर को जाना जाता है। तो मैं मौलाना सालिम अशरफ को अपनी नेक दुआओं के साथ दुआ देता हूँ, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए। एक बात कहकर बात खत्म करता हूँ। हर जमाने में फिरौन, नमरूद, हामान आए थे, चले गए। आज के जमाने के जो नमरूद हैं, आज के जमाने के जो हामान हैं, आज के जमाने के जो मुतकब्बिर हैं, आज के जमाने के जो फिरौन हैं, खुदा की कसम इनका भी ऐसा ऑपरेशन होगा कि कोई नाम लेने वाला नहीं मिलेगा। चढ़ी जो नदी वो उतर भी सकती है और जो मौत मान रही है वो खुद मर भी सकती है। हर तारीख के बाद, हर अंधेरे के बाद उजाला होगा, कौन सुर्खियों की तरफ आएगी। और इंशाल्लाह ना उम्मीद मत हो, आप ना उम्मीदों के पहाड़ों की तरफ जाते हैं, बिल्कुल ना हो, बहुत जल्दी उजाला होने वाला है, अंधेरा जाने वाला है और उजाला आने वाला है। अल्लाह मुझे और आपको हम सबको ज्यादा से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
सारी बहुत तारीफी बात अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने फरमाई हकीम साहब ने, वाकईतन सारी इल्मी दुनिया पे मुजफ्फरनगर की सरजमीन का एहसान है। सबसे पहले इल्म हदीस हिंदुस्तान में हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी लाए। वो दहलवी नहीं थे, वो फुलत के रहने वाले थे। क्यों हजरत? फुलत के रहने वाले थे, मुजफ्फरनगर की सरजमीन। जी विलायत लाए मुजफ्फरनगर। हजरत हाजी इमदादुल्ला साहब जो उलमाए देवबंद के सरदार हैं, वो मुजफ्फरनगर के रहने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस सरजमीन को बड़ा इल्मी इरफानी तारीखी बनाया है, बड़ा इंकलाबी बनाया है। इनसे दुआ करता हूँ जो जज्बा इन्होंने आप तक पहुँचाया है, अल्लाह हम सबको उस पर खड़े होने की तौफीक अता फरमाए।